अब आगे हम चलते हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य है उसको देखते हैं। मंत्रिपरिषद के और मंत्रिमंडल के बारे में क्या क्या, या मंत्रिपरिषद की जो संरचना है वो किस प्रकार से निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसके अंतर्गत पांच प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, या पांच स्तर है उसका। स्तर ज्यादा सही रहेंगे, पांच स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तर है वो है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय। कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल को कहते हैं। वैसे दूसरे पाए जाते हैं राज्य मंत्री। अब इसमें दो आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद आते हैं उपमंत्री। ठीक है, एक दो तीन चार, और लास्ट में आते हैं संसदीय सचिव। और कभी कभी भूले भटके उप प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं यहाँ। कौन आ जाते हैं यहाँ पर? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का वैसे भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही केंद्र में कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें इस चीज को। पांच स्तर देख रहे हैं, मुख्यतः मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर के बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये कंपलसरी नहीं है, उप प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उप प्रधानमंत्री हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय सदस्यों की। ये सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं, पहली बात। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल किए जाते हैं।
ठीक है, इनकी संख्या, भाई जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उतनी होती है, 15 से 20 के लगभग होती है। ये संपूर्ण मंत्री परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये अपने विभागों स्वतंत्र संचालन करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात याद रखें। अब इसमें जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे आप देखें इसमें आते हैं जैसे विदेश विभाग, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ जो व्यक्ति काम करने वाला है वो सरकार का भी, या सरकार का आईना जो होता है उसकी बात करें, मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है, सरकार का आईना। अब जैसे इसमें लिखें, जैसे रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, गृह विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय जो होता है, जब आप देखेंगे जहाज रानी मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि मंत्री जो होता है मतलब कृषि, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे तमाम जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े जो विभाग हैं उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है और उनके माध्यम से ही इस प्रकार के कार्यों को या इस प्रकार के संचालन को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो इस प्रकार कैबिनेट मंत्रियों में शामिल माने जाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। कैबिनेट मंत्री के स्तर से अगला मंत्री स्तर राज्य मंत्रियों को आता है, जिसमें कि दो प्रकार के मंत्री होते हैं, ओनली राज्य मंत्री। अब ओनली जो राज्य मंत्री है वो क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है,
कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं किया जाता। शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये कम महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों के मंत्री होते हैं। ये तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। आपके समझ में आ रही होगी कि ये जो बातें चल रहे हैं, हम अब यहाँ पर तो हम उनके डिपार्टमेंट के आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में होता क्या है कि ये जो राज्य मंत्री हैं, ये ऐसे विभाग तो ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाता है जिनका राजनीतिक स्तर पर अनुभव या प्रशासनिक स्तर पर अनुभव उन मंत्रियों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो कि युवा हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं, अधिकतर यहाँ पर युवाओं को वरीयता नहीं दी जाती है, यहाँ पर युवाओं को वरीयता दी जाती है ताकि वे प्रशासनिक कार्यों या प्रशासनिक प्रणाली का अनुभव ले सकें और आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को विकसित कर सकें। कैबिनेट मंत्रियों में ज़्यादातर अनुभवी मंत्रियों को रखा जाता है ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में वे प्रधानमंत्री की भली प्रकार से सहायता कर सकें। राज्य मंत्री जो होते हैं उसकी जो दूसरी कैटेगरी हम देख रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ऐसे मंत्री जिन्हें किसी महत्वपूर्ण विभाग का अलग से दायित्व दिया गया है, यानी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है चुनाव में भी, और पार्टी जिससे या जो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति से प्रभावित हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता देकर वहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते, मतलब वो उनकी गाइडेंस में, कभी कभी प्रधानमंत्री की गाइडेंस में भी वो व्यक्ति काम कर पाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी तुलना करते हैं तो ये इसकी तरह स्वतंत्र होगा। यह मंत्री कैबिनेट मंत्री के समान स्वतंत्र व शक्तिशाली होते हैं, यानी वेतन इनका एक समान ही होता है। इन्हें कैबिनेट बैठक में आमंत्रण दिया जा सकता है। आमंत्रण दिए जाने पर शामिल किया जाता है, यानी इन्हें तो शामिल ही नहीं करते, हालांकि इनको बुलाया जा सकता है, लेकिन इनको आमंत्रित, शक्तिशाली किसी डिपार्टमेंट का मंत्री है तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसे जाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन बुलाए जाने पर उसका जाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से राज्य मंत्री, उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच का काम करते हैं। कार्य या दायित्व तो इनके कैबिनेट मंत्री जैसे ही रहते हैं, लेकिन जो इनका भूमिका है या जो इनका स्टेटस है वो कैबिनेट मंत्री जैसा नहीं है। कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए इन्हें आमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी, बुलाए जाने पर ही ये जा सकते हैं,
दायित्व कैबिनेट मंत्री जैसा ही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री के दायित्व के बाद भी ये लोग अपनी इच्छा से कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ये मुख्य अंतर है। बाकी शक्तियाँ और स्वतंत्रता इनकी राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के समान रहती है। जैसे मैंने बताया, वेतन इनका कैबिनेट के बराबर ही होता है, लेकिन स्वतंत्रता के मामले में या विभागों के प्रति जिम्मेदारियों या जवाबदेही के मामले में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्तर। उपमंत्री देखिए, उपमंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच के स्तर के मंत्री माने जाते हैं। माने जाते हैं जो कि सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यानी आप जानते हैं, राजनीतिक संतुष्टि के लिए भी कभी कभी उपमंत्री बना दिए जाते हैं, ताकि जितने ज़्यादा दल होंगे उतने ज़्यादा ही मंत्री बनाने पड़ते हैं। सहयोग देने के कारण उन मंत्रियों को दूसरे राजनीतिक दलों से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे समय में वे उपमंत्री की व्यवस्था करते हैं। अर्थात ये दोनों की सहायता करते हैं। उपमंत्री उपरोक्त दोनों प्रकार के मंत्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जिस तरह से 2003 के अधिनियम के द्वारा मंत्रियों की संख्या पर क्या लगा दी गई, थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है, ये भी ध्यान रखें, लेकिन कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। न तो इन्हें कोई बुलाता है और न ये भाग लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपमंत्री संख्या पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि भाई कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, कितने उपमंत्री होंगे, कितने संसदीय सचिव होंगे, कितने उप प्रधानमंत्री होंगे। ऐसी न तो कोई संख्या निर्धारित की गई है और न ऐसी कोई संख्या का विरोध भी किया गया है, लेकिन टोटल 15% से ज़्यादा नहीं होंगे अधिकतम, ये बात हमने निर्धारित कर रखी है। यानी यहाँ पर संख्याओं का मंत्री पद का अनुपात निर्धारित नहीं कर रहे हैं, हम निर्धारित कर रहे हैं कि उन व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या उनकी जो न्यूनतम संख्या है, इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है, आगे चलें हम। संसदीय सचिव, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है अधिकतम, तो ऐसी स्थिति में अपने राजनीतिक हितों या संसद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कुछ संसदीय सचिवों को भी रखा जाता है। उनका दर्जा मंत्रियों के बराबर ही होता है, लेकिन वे संसदीय जो व्यवस्था है उसको संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। यानी संसदीय सचिवों को भी उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान के आधार पर मंत्रियों की श्रेणी में रखा जाता है, या मंत्री स्तर की उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।
देखें आगे। संसदीय सचिव, उपमंत्री के स्तर से निम्न पद है संसदीय सचिव। परंतु इन्हें मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। ये संसद के कुशल संचालन में अपना योगदान देते हैं। ये इसकी पांचवी श्रेणी है। क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसे मैंने आपको बता दिया कि संख्या निश्चित कर दी गई है मंत्रिपरिषद की, तो अब उससे ज़्यादा अगर किन्हीं व्यक्तियों को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल न करते हुए अपने पक्ष में रखना है या अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में संसदीय सचिव पद की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। ये भी उपरोक्त मंत्रियों को संसदीय सहायता के अलावा के साथ साथ प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने पांचों के विभाजन को देखा और उनके आधार पर जैसे हमने बात की कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, या मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे राष्ट्रपति को सहयोग और सहायता दोनों उपलब्ध करवाए, तो ये सारे के सारे लोग ये किसकी सहायता करने के लिए बनते हैं? प्रधानमंत्री की सहायता है। प्रधानमंत्री को सरकार के संचालन में सहयोग व सलाह प्रदान करते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है तो सहयोग और सलाह प्रदान करते हैं। ये सारे लोग प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए बने। जैसे प्रधानमंत्री किसी के सहयोग के लिए हैं, मंत्रिपरिषद सहयोग के लिए, तो ये भी प्रधानमंत्री को सहायता देते हैं इतने बड़े विविधतापूर्ण राज्य को, राष्ट्र को चलाने के लिए। वो प्रधानमंत्री मैंने बताया संविधान में कोई प्रावधान नहीं है इनके बारे में, और इनके बारे में प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी भी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ यह संवैधानिक पद नहीं है, पहली बात तो कोई अनुच्छेद भी नहीं है इसका, लेकिन राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु सरकार के द्वारा उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। यह
जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, सेकंड नंबर की स्टेज मानी जाती है, दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है वो, किसी भी निर्वाचित सरकार में कौन से पद पर रहते हैं, ये दूसरे नंबर पर माना जाता है ऐसे व्यक्ति को। चौधरी चरण सिंह की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार में भी चौधरी चरण सिंह पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। इसको देखिए आप ध्यान पूर्वक। अब हमारा जो अगला है वो हम अगले टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में मुख्यतः जो अंतर है। वो गठबंधन सरकार के बताए मैंने आपको, और वैसे प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे, क्या नाम था उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और हमने उप प्रधानमंत्री के साथ अगर हम उसको भी ध्यान कर ले, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कई बार बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। गुलजारीलाल नंदा को 2 बार ऐसा मौका मिला जब उन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार संभाला। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसी के साथ आपको ध्यान रहेगा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, क्योंकि अचानक डेथ हो गई थी हमारे दो प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए। अब गुलजारीलाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपका ये समाप्त हुआ, अब आगे चलते हैं हम, इसको याद कर लें, वो जो कोने में लिखा दिया मैंने, है ना, वो जानकारी ध्यान कर लें। सबसे पहले तो ध्यान रख लें, उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की संरचना हमने चर्चा की है, इसको ध्यान रखें आप।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर देखें आप, एक तरफ हम लिखते हैं आधार, ठीक है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि किस आधार पर हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी जो आधार है वो है इनकी संख्या के आधार पर, मंत्रिपरिषद संख्या के आधार पर एक बड़ी संस्था है या इकाई है, सर्वाधिक बड़ी भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें 50 से 80 तक मंत्री शामिल हो सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात की जाएगी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में एक छोटा निकाय है, जिसमें महत्वपूर्ण विभागों के पंद्रह से 20 मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। आगे चलें। संरचना
संरचना के आधार पर अंतर करेंगे तो आपको पता है ही, जैसे कि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, ठीक है, जबकि कैबिनेट या मंत्रिमंडल में एक ही प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, आपको बताइए सिर्फ कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। आगे चले, मंत्रिपरिषद के द्वारा संपूर्ण यानी मंत्रिपरिषद शामिल तो सभी मंत्री होते हैं, वो डिवाइडेड भी रहते हैं, उनको संगठित करने का या नेतृत्व देने का काम कौन करता है? ये करता है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद को संगठित कर नेतृत्व देने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कह दें कि मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद शामिल नहीं है। अगला आधार देखें आप, बैठक का। बैठक मंत्रिपरिषद की नियमित बैठक होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक हो सकती है या होती है वैसे तो, साप्ताहिक बैठक ली जाती है,
यानी सप्ताह में एक बार तो मंत्रिमंडल बैठता ही है, कई बार, कई विशेष परिस्थितियों में सप्ताह में कई बार ही बैठक हो सक ली गई है। सप्ताह में कई बार बैठक हो गई हुई है। ठीक है, आप समझोगे कि बैठक के आधार पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर ये ध्यान, आपको खुद को भी ध्यान है कि जब कैबिनेट के मुख्य लोग बैठेंगे तो उनके बैठने के बजाय एक तो मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा है और उसकी जवाबदेही भी इतनी अधिक नहीं है। जवाबदेही या जो नेतृत्व है या कार्यकुशलता बड़े मंत्रियों की देखी जाती है, इसलिए सभी मंत्रियों को एक साथ बैठक बुलाना जरूरी नहीं है। यानी उनको इस प्रकार से एक साथ रखने की संवैधानिक या राजनीतिक आवश्यकता प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आ गई होगी आपको बात, प्रैक्टिकलनेस पर बात कर रहे हैं। प्रशासन को चलाने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकताएं चाहिए उस प्रकार की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज उनके साथ बैठ मिलकर क्या करें, बैठक करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप देख लीजिए कि सब बड़ी संख्या में तो ये हैं, ज़्यादा तो ये हैं, कम वो हैं। तो आपको बताया कि कम लोगों को संगठित किया जा सकता है, बड़े लोगों को एक साथ लेकर आप बैठेंगे तो शायद कई विवाद सामने आ सकते हैं। तो पहले ये लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं या किसी विषय को लेकर, फिर वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से उसे विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद से पहले मंत्रिमंडल द्वारा किसी विधेयक को लेकर चर्चा आपस में कर ली जाती है। या हम कहते हैं वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल ज़्यादा प्रभावी है, या वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की तुलना में कैबिनेट के द्वारा शक्तियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सरकार का आईना किसको माना जाता है? जो लोग दिखाई देते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों के जो लोग हैं उनके दिखाई देने के आधार पर उन्हें सामान्यतः ज़्यादा वरीयता प्रदान की जाती है। आगे चलें, आपातकाल। यहां पर देखें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर या लिखित सहमति के आधार पर किसी राज्य में के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल
लागू किया जाता है। ठीक है, जबकि मंत्रिपरिषद में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आपातकाल के लागू किए जाने में मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं है। लोकसभा द्वारा पास होना चाहिए, राज्यसभा द्वारा पास होना चाहिए, ये तो है, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिए वहां पर कोई विशेष उल्लेख नहीं है, जबकि कैबिनेट का विशेष उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये काम हमारा यहाँ खत्म। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल है, ये ध्यान रखें आप। ये अलग से नहीं है, 15-20 आदमी जो हमने इसमें रखे हैं वो इसी में से शामिल है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल होता है, जबकि मंत्रिमंडल स्वयं एक स्वतंत्र भाग है जो मंत्रिपरिषद के शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। वैसे स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखें आप, वैसे नहीं, इसमें से अलग है, इसमें ही शामिल, लेकिन स्वतंत्र कहाँ हो जाता है, जो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करने लगता है। या इसको ऐसे करते और बेटर, जब वह मंत्रिपरिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, तब वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाता है। किससे? मंत्रिपरिषद से। यानी मंत्रिपरिषद तो मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद शामिल नहीं है। ये बड़ा है और ये उसका, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब आगे चलते हैं, एक और शब्द आता है। देखो, ये तो हो गया आपका अंतर का काम पूरा। एक और कंफ्यूजिंग शब्द आ जाता है कई बार, जिसको हम कहते हैं इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। ये भी शब्द आपके ध्यान में रहना चाहिए, होता क्या है वास्तव में, आंतरिक मंत्रिमंडल। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल से छोटा मंत्रियों व सहायकों का समूह समूह
जो कि प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र है, जिनके साथ प्रधानमंत्री अपनी समस्याओं यानी सरकार से संबंधित समस्याओं समाधानों व कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, किचन कैबिनेट भी कहते हैं इसको। किचन कैबिनेट भी इसी को कहा जाता है। ये क्या होता है कि ऐसे हम कहते हैं कि इन मंत्रियों का प्रधानमंत्री के घर तक सीधा संपर्क होता है और उस आधार पर वो ज़्यादा खुले हुए होते हैं, या प्रधानमंत्री को इन पर ज़्यादा विश्वास होता है, या ये प्रधानमंत्री की नीतियों से, या प्रधानमंत्री के मन में किसी तरह का कोई दुविधा या कोई किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति होती है, तो वह इन पर पर्सनली चर्चा कर लेता है और फिर मंत्रिमंडल के समक्ष आते हैं, फिर मंत्रिपरिषद के समक्ष आते हैं, फिर वो लोकसभा में विधेयक के तौर पर प्रस्तुत होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे विषय होते हैं जो कि अत्यंत उलझे हुए या बहुत ज़्यादा जिन पर मंथन की आवश्यकता होती है, या बार बार जिन पर मंथन किया जाना चाहिए, या कई बार परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों या साथियों के साथ चर्चा करते हैं, जो कि क्या कहलाती है, किचन कैबिनेट के तौर पर होती है। इसमें दो चार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंत्री शामिल हो सकते हैं। आप जानते हैं कैबिनेट 15 से 20 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले होते हैं, अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से वो बंधे होते हैं, तो यहाँ उनकी संख्या थोड़ी सी क्या हो जाती है, यहाँ मंत्रियों की संख्या 5 से 10 भी हो सकती है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि कैबिनेट के ही मंत्री हों, वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके सभी के लिए मैंने मंत्रिपरिषद से संबंधित सारी जानकारी आपको देने का काम किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, और उसके अंदर मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है बस कि ये जो प्रश्न जिस तरह से आ सकते हैं मैंने उसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब हम अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं वो लगभग थोड़े से सामूहिक से कार्य होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला किसी सरकार का नेतृत्व नहीं कर सकता। ऐसी पोजीशन में मंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद में शामिल है या उसका महत्वपूर्ण भाग है, तो अब उसके आधार पर हम मंत्रिपरिषद के कार्यों की और उसकी जो भूमिका है, या संसद या व्यक्तिगत तौर पर मंत्रियों की क्या जवाबदेही होती है, उसके आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक बात और ध्यान कर लें आप मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि मंत्रिपरिषद जो होती है जो भी जिस भी सदन में जिस व्यक्ति को जहां मंत्री बनाया गया है वो उस प्रकार से वही वोट दे सकता है। जो मंत्री लोकसभा से बनाए गए हैं तो वो वोटिंग लोकसभा में ही करेंगे, प्रश्नों के जवाब दोनों जगह दे सकते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब, लेकिन जब वोटिंग करने की बात आएगी तो वो वोटिंग कहाँ की जाएगी,
उनके द्वारा वो वोटिंग की जाएगी जहां जिस सदन में उनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद की जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है,